हेलो स्टूडेंट्स, गुड टाइम टू ऑल। आई एम चंदन कुमार प्रधान। वेलकम टू योर चैनल चंदन फिजिक्स। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्टिकल एक्सेलरेटर्स। लेट्स बिगिन। पार्टिकल एक्सेलरेटर्स पार्टिकल की जे एक्सेलरेशन प्रदान करिवो से इंस्ट्रूमेंट को आम कहे पार्टिकल एक्सेलरेटर्स। तेरे पार्टिकल एक्सेलरेटर्स रो आवश्यकता कहीं पड़ा मनेकर आम ग्रह नक्षत्र मानकर गतिविधि संपर्क में स्टडी करने चाहूचे से गुड़ी ऑब्जर्व करने आम को एक प्रकार इंस्ट्रूमेंट रो आवश्यकता पड़ी। से इंस्ट्रूमेंट हे टेलीस्कोप। ठीक से भली भाव रे आटम मध्य न्यूक्लियस रहुची। आमे न्यूक्लियस तो खाली आखिर देख पारिबा नाही। तबे न्यूक्लियस रो साइज कौन तार शेप के भली भाव रे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ दिस न्यूक्लियस। से न्यूक्लियस गुड़ी करो प्रॉपर्टीज कौन कौन ताहा को स्टडी करिबा पाई आमको जे इंस्ट्रूमेंट रो आवश्यकता पड़ुची से इंस्ट्रूमेंट को आम कहे पार्टिकल एक्सेलरेटर्स। पार्टिकल एक्सेलरेटर इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स इज कॉल्ड पार्टिकल एक्सेलरेटर्स। दैट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स। से इंस्ट्रूमेंट को आम कहे पार्टिकल एक्सेलरेटर। तबे पार्टिकल एक्सेलरेटर साहाज्य रे आमे चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेशन प्रदान करिवा एवं न्यूक्लियस रो स्ट्रक्चर बा न्यूक्लियस रो प्रॉपर्टीज संपर्क रे जानी परिवा। केमिति रदरफोर्ड को वेरी फेमस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को लक्ष्य कर। रदरफोर्ड कौन करथिले ना अल्फा पार्टिकल को थीन गोल्ड फॉयल उपरे बमबार्डिंग कराइथिले जा फल रे स्कैटरिंग हेतिला एवं तांगा ऑब्जर्वेशन अनुजाई से न्यूक्लियस रा डिस्कवरी करथिले। ते जो अल्फा पार्टिकल केउथिरु बाहरुची ना एक प्रकार न्यूक्लियस जे अनस्टेबल स्टेट रे थाए से तार स्टेबिलिटी पाई न्यूक्लियर डीके फेनोमेनन ऑब्जर्व करे। तबे से न्यूक्लियर डीके प्रोसेस रे से अनस्टेबल न्यूक्लियस टी स्टेबल अवस्था को आसे। जो न्यूक्लियर डीके एक स्पोंटानियस प्रोसेस से न्यूक्लियर डीके प्रोसेस रु आमर जो अल्फा पार्टिकल गुड़ी कर बाहरी थांती तबे से अल्फा पार्टिकल गुड़ी कर एनर्जी अराउंड 3 to 5 इलेक्ट्रोवोल्ट। किंतु आटम मध्य न्यूक्लियस आटम मध्य न्यूक्लियस रे प्रोटोन एवं न्यूट्रॉन अच्छा प्रोटोन प्रोटोन मध्य रिपल्सिव फोर्स सृष्टि होती। जो अल्फा पार्टिकल एक प्रकार पॉजिटिव चार्ज प्रोटोन पॉजिटिव चार्ज परस्पर सहित रिपेल्ड हेबे। न्यूक्लियस मध्य कुलम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करियो। तबे अल्फा पार्टिकल को से न्यूक्लियस मध्य रे भेद करिया पई हेले कुलम्बिक फोर्स को भेद करिया पई जेतिकी एनर्जी आवश्यक ताको सेतिकी एनर्जी दरकार। किंतु स्पोंटेनियसली जे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियर डीके प्रोसेस रु बाहर छि तार एनर्जी ता तुलना रे बहुत कम। तबे से अल्फा पार्टिकल को आमे एनर्जी प्रदान करिवा पई हेले आमको अल्फा पार्टिकल को एक इंस्ट्रूमेंट साहाज्य रे हाई वेलोसिटी रे गति करिया पई पड़िवो जा फले तार काइनेटिक एनर्जी टा बढ़िवो। ते जे इंस्ट्रूमेंट व्यवहृत हुए से प्रकार चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेशन प्रदान करिवा पई ताको आमे कहूचे पार्टिकल एक्सेलरेटर्स। ते से पार्टिकल एक्सेलरेटर्स गुड़िक वर्तमान आम हेल्पफुल हेले से न्यूक्लियस रो स्ट्रक्चर संबंध में जानिया पाई। तो एक क्रम आम कहीदार
जे एक आस्ट्रोनोमर पाई आस्ट्रो फिजिसिस्ट जो मैंने ग्रह नक्षत्र संपर्क स्टडी कर ग्रह नक्षत्र को ऑब्जर्व करने जे भली भाव में टेलीस्कोप रो सहाय्य ठीक से भली भाव में न्यूक्लियर फिजिसिस्ट न्यूक्लियर संबंध में स्टडी करथिबा वैज्ञानिक माने न्यूक्लियस रो स्ट्रक्चर हेउ बा न्यूक्लियर संबंधित कौन सी भी प्रॉपर्टीज को जानिया हेले से जो इंस्ट्रूमेंट रो सहाय्य ता हेउची पार्टिकल एक्सेलरेटर्स जनरली पार्टिकल एक्सेलरेटर सहाय्य रे आमे चार्ज पार्टिकल रो एक्सेलरेशन ही बढ़ाइबा। दिस एक्सेलरेटर्स हैव प्लेड ए वाइटल रोल इन द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टडी करिया पाई ए पार्टिकल एक्सेलरेटर्स गुड़ी करा मुख्य भूमिका अछि। ए लॉट ऑफ रिसर्च हैज बीन डन टू स्टडी एलिमेंटरी पार्टिकल्स यूजिंग पार्टिकल एक्सेलरेटर्स। अनेक गुड़िया रिसर्च करा जाय छि एलिमेंटरी पार्टिकल जमिति कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एगुड़िक संबंध रे सूचना ए पार्टिकल एक्सेलरेटर सहाय्य रे हम जानि परबा। लॉट ऑफ रिसर्च इज कंडक्टेड। तो ये पार्टिकल एक्सेलरेटर्स रो क्लासिफिकेशन आम के भाव में कर क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेटर्स दीज आर क्लासिफाइड एज पार्टिकल एक्सेलरेटर को दि भाग में विभक्त करा जाय छी सेमानंकर कार्यकारिता को लेकिन क्यों फेनोमेनन को ताहा सटिस्फाई करौछि ताहा अनुजाई तार क्लासिफिकेशन है छि जेमिति कि जेउ पार्टिकल एक्सेलरेटर गुड़िक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर बेस्ड से गुड़ी कहा जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेटर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेटर्स एगुड़िक केमिति कार्य करुछंती ना दे यूज स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड टू एक्सेलरेट द पार्टिकल यूज स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड टू एक्सेलरेट पार्टिकल ए एक्सेलरेटर रे आम स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की व्यवहार करवा से पार्टिकल को एक्सेलरेशन प्रदान करिया पाई। तबे एग्जांपल स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेटर गोटे एग्जांपल हेउची वैंडेग्राफ जेनरेटर वैंडेग्राफ जेनरेटर। नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेटर मुख्यतः से पार्टिकल को एक्सेलरेशन प्रदान करिवे जदि से प्रोसेसटा इलेक्ट्रोस्टैटिक होइथाए ता कहा जाय इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेटर्स जदि से प्रोसेसटा इलेक्ट्रोडायनामिक्स होइथाए ता कहा जाय इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप एक्सेलरेटर इलेक्ट्रो डायनामिक एक्सेलरेटर। तबे इलेक्ट्रोडायनामिक एक्सेलरेटर के भली भाबरे काम करुची बाय सेंसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड हम कही पारिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रा चेंज कारण रु चेंजिंग इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड इट प्रोवाइड्स
एक्सेलरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रो चेंज कारण रो से पार्टिकल गुड़ी को एक्सेलरेशन प्रदान करा जिवो। तो जो इंस्ट्रूमेंट सहाय्य रे एही प्रकार रे एक्सेलरेशन प्रदान करा जाए से गुड़ी को जाए इलेक्ट्रोडायनामिक एक्सेलरेटर। तो केतक एग्जांपल हेउची इलेक्ट्रोडायनामिक एक्सेलरेटर रो साइक्लोट्रोन, लिनियर एक्सेलरेटर, जाकु शॉर्ट रे कहा जाए लिनाक, सिंक्रोट्रोन, एटसेट्रा। तो अपकमिंग वीडियोज गुड़ी करे आम यही सब पार्टिकल एक्सेलरेटर संपर्क में पढ़ा जमीती वैन डे ग्राफ जेनरेटर कौन तार कंस्ट्रक्शन वर्किंग के प्रिंसिपल उपरे बेस्ड साइक्लोट्रोन लिनियर एक्सेलरेटर एवं सिंक्रोट्रोन यही सब पार्टिकल एक्सेलरेटर मानक विषय में विस्तृत भाव में अपकमिंग वीडियोज गुड़िक आलोचना करिबा। लार्ज एक्सेलरेटर्स व्हिच इनक्रीज द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल पार्टिकल क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। आम जदि लार्ज एक्सेलरेटर को नबा जो लार्ज एक्सेलरेटर फल से पार्टिकल को आम जो एक्सेलरेशन प्रदान करिबा बा से पार्टिकल रो प्रोजेक्टाइल तार वेलोसिटी जदि वेलोसिटी ऑफ लाइट सांगरे कंपेरेबल हो जाए तबे सेही प्रकार एक्सेलरेटर को आमे कहिबा कोलाइडर्स। कोलाइडर सहाय्य रे आमे से पार्टिकल गुड़िकर वेलोसिटी को लाइट रो वेलोसिटी पर्यंत नहीं परिबा। लार्ज एक्सेलरेटर्स व्हिच इनक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल पार्टिकल क्लोज टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट यूज्ड इन पार्टिकल फिजिक्स इज कॉल्ड कोलाइडर्स। केतक कोलाइडर गुड़िकर एग्जांपल एग्जांपल ऑफ कोलाइडर लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर केंठारे अवस्थित अछि एट सॉर्न यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। सॉर्न एक संगठन यार फुल फॉर्म होची यूरोपियन काउंसिल ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च। यूरोपियन काउंसिल ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च इन जेनिवा। जेनिवा शहर रे सॉर्न रो ए गोटे संगठन रो जो कोलाइडर जा ना होची लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर या साजर कौन करा जाय थिला is an example of large accelerator which gives the evidence of the structure of subatomic particles
सच आज गॉड पार्टिकल, जो गॉड पार्टिकल डिस्कवरी संपर्क रे न्यूज रे प्राय देखुथले, से जो गॉड पार्टिकल रो एक्जिस्टेंस को लार्ज हैड्रन कोलाइडर साहाज्य रे तार एक्जिस्टेंस को दर्शाए। लार्ज हैड्रन कोलाइडर एक प्रकार रो लार्ज एक्सेलरेटर एग्जांपल जे कि जेनिवा शहर रे अवस्थित, यह सन संगठन रो गोटे प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट हेल्प रे आम सब एटॉमिक पार्टिकल रो स्ट्रक्चर एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड पार्टिकल बोली कही कि दर्शाउथिले। तेणु करी एहा थिला पार्टिकल एक्सेलरेटर संपर्कित एक इंट्रोडक्शन वीडियो, जेउथिरे पार्टिकल एक्सेलरेटर कौन, कहीं कि पार्टिकल एक्सेलरेटर आवश्यकता पड़ा, तार क्लासिफिकेशन जमीक इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेटर, इलेक्ट्रोडायनामिक एक्सेलरेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेटर एग्जांपल वैन डेर वाल्स जेनरेटर, इलेक्ट्रोडायनामिक एक्सेलरेटर एग्जांपल साइक्लोट्रॉन, लिनियर एक्सेलरेटर, सिंक्रोट्रॉन, एगुड़ी को आगामी वीडियो रे डिटेल्स रे पढ़ा। तापर लार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर जहाँ कहा जाए कोलाइडर, एक प्रकार कोलाइडर एग्जांपल लार्ज हैड्रन कोलाइडर जहाँ साहय गॉड पार्टिकल एक्जिस्टेंस संपर्क में स्टडी कर। सो विथ दिस यूजफुल एंड इनफर्मेटिव नोट्स लेट मी वाइंड अप द सेशन। थैंक यू।